Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. Dear students, today we will take start of unit number one of English subject of grade first year. And unit number one deals with first attempts and challenges. In this unit, we will discuss and we will read out about different difficulties in life different attempts and challenges which we face in life this unit contains three readings number one his first flight it is a story number two first year at Haro. This is an essay. It is also a kind of story. And number three is a poem, first day of school. All these three units deal with challenges, with difficulties of life and these units give us lesson to try try again before you read this lesson just uh, look at the main points of his first flight this this is a story about a young seagull हुईज़ अबाउट टू फ्लाई ये कहानी एक ऐसे परिंदे की है जो उड़ने के काबिल है बट अफ्रेड टू फ्लाई लेकिन वो उड़ने से खुफसदा है वो डरता है अपनी उम्र और एज के हिसाब से अब वो उड़ने के काबिल है उसे उड़ना चाहिए वो उड़ सकता है लेकिन उसे उड़ने से डर लगता है वो खुफसदा है इवन When each of his brothers and his little sister, हता के उसके भाइयों में से हर एक भाई और उसकी छोटी बहन whose wings jiske जिसके पर were far shorter than his own hata हता uske उसके भाई और इससे छोटी बहन जिसके पर इसके परों से कई गुना छोटे थे रैन टू द ब्रिंक वो किनारे की तरफ भागे देयर विंग्स अपने परों को फड़फड़ाया फ्लैप्ड फैला के हरकत देना फड़फड़ाना एंड फ्लू अवे और उड़ गए ही फेल्ड लेकिन वो नाकाम रहा टू मस्टर अप करेज हिम्मत जमा करने में मस्टर अप जमा करना इकट्ठा करना कलेक्ट करना करेज हिम्मत हौसला लेकिन वो अपना हौसला इकट्ठा करने में नाकाम रहा जमा करने में नाकाम रहा टू टेक दैट प्लंज कि वो ये फैसला ले सकता प्लंज मीन डिसीजन फैसला जब उसके बहन भाइयों ने कोशिश की अपने परों को खोला उन्हें हरकत दी और परों को फड़फड़ाते हुए वो उड़ गए तो ये फैसला लेने में नाकाम रहा कि उसे भी ये अमल करना चाहिए वाई डू यू थिंक द सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई आपका क्या ख्याल है कि सीगल उड़ने से खुफज़दा क्यों था एंड डू यू थिंक ही विल फ्लाई एट ऑल और क्या आप ये सोचते हैं कि क्या कभी वो उड़ेगा इस यूनिट में एक कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है कि कोई भी काम शुरू करना पहले मुश्किल होता है इवन उसके बारे में सोचना ही मुश्किल होता है खुफ़दा कर देने वाला होता है लेकिन जब उस अमल को करने की कोशिश की जाए तो कामयाबी कदम चूमती है यही सिलसिला यही मामला इस परिंदे के साथ भी हुए लेकिन यहाँ पे आपके सामने दो सवाल रखे गए हैं दो क्वेश्चन उठाए गए हैं कि आपकी थिंकिंग इस बारे में क्या कहती है कि क्या ये परिंदा कभी उड़ेगा और ये कि वो उड़ने से खुफज़दा क्यों था ये सेम क्वेश्चंस यही सवाल आम ज़िंदगी में इंसानों पे भी अप्लाई होते हैं कि वो कुछ काम करने से ख़ुफ़दा क्यों होता है और अगर वो खूफज़दा है तो उसके पीछे वजह क्या है और ये कि क्या वो बंदे जिंदगी में वो काम कर सकते हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स वी विल रीड आउट दिस स्टोरी इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर सो डियर स्टूडेंट्स टिल देन यू हैव टू थिंक अबाउट दीज टू क्वेश्चन and you have to write some points where you think on your rough notebook and then you will compare these your thinking your own own points which you have written on your notebook that your points and the points written in your lesson are same or not प्यारे बच्चों जब आपने इस कहानी के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है और आपके दिमाग में एक खाका बन चुका है कि इस कहानी में क्या होने वाला है यहाँ पे इस परिंदे की बहन के छोटे छोटे पर वो उन परों के समेत उड़ गई छोटे परों के साथ उड़ गई लेकिन ये एज में बड़ा है इसके पर भी बड़े हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाया इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा तो छोटे पर यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ को भी शो करते हैं और बड़े पर हमारे पास इनफ रिसोर्स को शो करते हैं तो यहाँ पे ये सवाल भी उठता है क्या रिसोर्स ही वसाइल ही तमाम कामयाबियों का हासिल हैं या उनकी वजह हैं या कामयाबी सिर्फ रिसोर्स की बिना पर हासिल की जाती है और सवाल ये भी उठता है कि अगर आपके पास वसाइल कम हैं रिसोर्स कम हैं तो क्या आपको कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आपने सोचना है और जो आपने पॉइंट्स सोचे हैं उनको लेसन में पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपने मैच भी करना है अल्लाह हाफिज़